ये दोस्तों आप लोग देख रहे हैं वी फॉर वीडियोस और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होनर के 9 लाइट के बारे में जिसे मैंने खरीदा फ्लिपकार्ट से 8,999 यानी कि 9,000 रुपये में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्या पता आपके बहुत सारे रुपये बच जाए या फिर आपका घाटा होने से बच जाए। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या ये फ़ोन आपको 9,000 रुपये में भी आपके पैसे की वैल्यू प्रोवाइड करता है या नहीं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका बूट टाइम टेस्ट और जानेंगे इसे ओपन होने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं इसे पूरी तरीके से स्टार्ट होने में 29 सेकंड का समय लगता है। तो इसी तरीके से आप अपने मोबाइल का कंपैरिजन इससे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग कर लेते हैं इसका विजिबिलिटी टेस्ट। आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट में इसकी विजिबिलिटी कितनी है और कितनी अच्छी है। तो इस समय आप लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट में इसकी विजिबिलिटी कितनी है। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लग गया होगा। और इंडोर में तो सारे फ़ोन की विजिबिलिटी अच्छी होती है, आप लोग इसके इंडोर की भी विजिबिलिटी को देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग इस फ़ोन की कमियां जान लेते हैं। दोस्तों इसकी पहली कमी है इसके बैक कैमरे का बुके इफेक्ट, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगता है। एकदम अजीब सा बुके इफेक्ट आता है इसकी फ़ोटो में, जबकि इसकी जगह रेडमी नोट 5 में बहुत ही बेहतरीन बुके इफेक्ट आता है। तो इसमें बुके इफेक्ट है लेकिन कोई काम का नहीं है, बेकार है, ये मेरी राय है मेरी एक्सपीरियंस से। और बात करें इसकी बैटरी बैकअप की, दोस्तों इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है कि बहुत ही मुश्किल से मेरा एक दिन पार करती है, क्योंकि मैं पहले रेडमी फ़ोन यूज़ करता था तो उस हिसाब से मुझे इसमें बैटरी बैकअप बहुत कम लगता है। दोस्तों क्योंकि इसमें बैक में ग्लास है तो अगर ये फ़ोन गिर गया तो इसका ग्लास टूट सकता है, जिससे आपका ये फ़ोन बहुत ही बेकार लगने लगेगा देखने में, जबकि इसकी जगह रेडमी के फ़ोन बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होते हैं। मुझे इसका फ्रंट लुक भी ज़्यादा कुछ प्रीमियम देखने में नहीं लगता है, और इतने ही पैसे में Redmi Note 5 देखने में एकदम प्रीमियम और झक्कास लगता है। और दोस्तों इसमें आपको Redmi फोन्स की तरह इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग भी देखने को नहीं मिलती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग ही जमती है। और दोस्तों इसमें Redmi फोन्स की तरह IR ब्लास्टर भी देखने को नहीं मिलता है, तो मुझे IR ब्लास्टर की भी कमी खलती है। और दोस्तों इसमें डुअल ऐप है लेकिन पता नहीं क्यों मेरे में चल नहीं रहा है, जबकि रेडमी के फ़ोन में डुअल ऐप बहुत ही आसानी से चल जाता है। और जहां तक बात करी जाए इसके परफॉर्मेंस की, तो 9000 रुपए के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन 11000 रुपए के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको बिल्कुल भी स्मूदनेस देखने को नहीं मिलेगी इस फ़ोन में, कभी ऐप एकदम जल्दी से खुल जाएगा कभी बहुत लैग करके खुलेगा, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा इसकी परफॉर्मेंस 11000 रुपए के हिसाब से। वैसे तो मैंने इसे 9000 रुपए में लिया है। और दोस्तों इसका चार्जिंग टाइम बहुत ही स्लो है, 2 घंटे से भी ज़्यादा लग जाते हैं इसे फुल चार्ज होने में, तो मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो भी कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो मुझे इसका लाउड स्पीकर भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो दोस्तों मैं Redmi यूज़र था तो इस तरीके से मुझे Honor 9 Lite में Redmi की अपेक्षा इतनी कमियां नज़र आई, और इसे लेने के बाद मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं अभी भी सोच रहा हूँ काश इसकी जगह Redmi Note 5 ही ले लिया होता, जिसकी कीमत भी उस समय सेल में 9000 रुपए थी। तो 11000 का फ़ोन 9000 में मिलने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर सका। तो दोस्तों अगर आप एक Redmi यूज़र हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, आप इसकी जगह Redmi Note 5 या फिर Redmi Note 5 Pro ही ले लीजिए। लेकिन फिर भी मुझे इसमें कुछ खास बातें नज़र आईं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों पहली खास बात यह थी कि इस प्राइस के हिसाब से इसका फ्रंट कैमरा वाकई में बहुत ही बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, इसका फ्रंट कैमरा वाकई में काफ़ी बेहतर है, और इसका फ्रंट कैमरा दिन में बहुत ही अच्छा काम करता है। हाँ, रात में आपको इतने अच्छे फ़ोटो देखने को नहीं मिलेंगे इसके फ्रंट कैमरे से। और इसका तो दूसरा सबसे अच्छा फीचर मुझे नज़र आ रहा है इसका राइड मोड। तो राइड मोड जब आप लोग इसका ऑन कर देंगे तो राइड मोड में लगे होने पर जिसने आपको फ़ोन मिलाया है उसे सुनाई पड़ेगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर लगा इस फ़ोन का। दोस्तों इसमें खास बात एक और है कि इसका टच काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है,
और इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड ओरियो मिलता है। और इसका एक और फीचर मुझे काफी पसंद आया, वो था डाटा ट्रांसफर। तो इसमें एक ऐप पड़ा हुआ है फोन क्लोन, इसकी मदद से आप आसानी से किसी भी पुराने फोन से नए फोन में डाटा का ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। और इसमें फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है जो कि ठीक ठाक काम करता है। हाँ, एक सेकंड से ज़्यादा समय लग जाता है इसे अनलॉक होने में। और दोस्तों, आपको इसके कैमरे में बहुत सारे मेन्यू देखने को मिल जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा मेन्यू है, जैसे लाइट पेंटिंग और बहुत सारी जैसे। और यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से रेडमी के फ़ोन्स में इतने सारे ऑप्शन और सेटिंग्स नहीं होते हैं। तो कैमरे की सेटिंग के मामले में बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इसमें आपको प्रो मोड भी देखने को मिल जाता है। और जहाँ तक बात की जाए इसकी हीटिंग की, तो रेडमी नोट के मुकाबले में ये बहुत ही कम हीट करता है। ये भी इसकी खास बात है कि गर्मी के मौसम में ये फ़ोन कम हीट करता है। और इसकी खास बात एक और है कि जब आप इसे वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाते समय ये बहुत ही अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड करता है वीडियो बनाते समय। तो अगर आप इसे वीडियो बनाना चाहते हैं और ऑडियो पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड करेगा। और इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी होने के कारण ये हाथ में बहुत अच्छी ग्रिप देता है, और आप इसे हाँ एक हाथ में आराम से पकड़ कर यूज़ कर सकते हैं। जबकि Redmi Note 5 में ऐसा नहीं है, वो थोड़ा इसे बड़ा होने के कारण उसे यूज़ करना हल्का सा मुश्किल पड़ता है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फ़ोटोज़ की कंपैरिजन अपने 2 साल पुराने Redmi 3S Prime के साथ। जी हाँ, 2 साल पुराने, ताकि आपको मालूम चल जाए कि क्या ये फ़ोन 2 साल पहले आए फ़ोन की टेक्नोलॉजी को बीट कर पाएगा, और जिसकी कीमत केवल 9,000 रुपये थी। शायद नहीं, आपको पहले ही फ़ोटो में मालूम चल जाएगा कि ये 2 साल पहले आए फ़ोन को नहीं बीट कर पाया। फ़ोटो को जूम करने पर मालूम चल जाएगा। तो दोस्तों, आगे आपको कुछ फ़ोटो और वीडियो सैंपल देखने को मिलेंगे, जिससे आपको इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लग जाएगा कि इसके कैमरे की क्वालिटी कैसी है। तो इसी आधार पर इसे खरीदने का डिसीजन लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो भी होना नाइन लाइट लेने वाले हैं उनको। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।